सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विनीत एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब पे चल रही थी, आपको पता है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की सीरीज, और उस सीरीज में हम एनसीईआरटी के क्लास सिक्स के एनसीईआरटी को पढ़ रहे थे, और अभी हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स की हिस्ट्री के एनसीईआरटी का चैप्टर 4। हिस्ट्री का चैप्टर 4, ठीक है, फोर्थ चैप्टर, ठीक है। चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। देखो, ये जो पीरियड है, ये जो हम पढ़ने वाले हैं, पहले अगर क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखें, अगर हम देखें कि टाइम के हिसाब से तो हम कौन सा टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं, तो पहले हमने पढ़ा पैलियोलिथिक एज, कि उस टाइम पे लोग जो है शिकार करते थे, अपना खाने के लिए बाहर जाते थे, ठीक है, जानवर को शिकार करते थे, फलों को इकट्ठा करते थे, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं वैदिक एज, ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं वैदिक एज, ठीक है। ये टाइम पीरियड है वो है 1500 BCE से लेकर 1000 BCE का, ठीक है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको ये बॉक्स मिल जाएगा, उसमें एक मैरी नाम की लड़की है, वो अपने लाइब्रेरी में जाती है पहली बार स्कूल में, तो वो देखती है कि उसकी लाइब्रेरी है जो, वो उसकी क्लासरूम से ही बड़ी है, ठीक है, उसकी लाइब्रेरी जो है वो क्लासरूम से बड़ी है, ठीक है। और उसमें एक कबोर्ड देखती है, उस कबोर्ड में कुछ स्पेशल बुक्स होती हैं, ठीक है, ठीक है। उसकी टीचर बोलती है कि ये जो है वो रिलीजियस टेक्स्ट है, ठीक है, तो रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में उसको पता नहीं होता, उसकी टीचर बोलती है इसमें वेद है, वेदास, ठीक है। तो इस बॉक्स को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है, एज द बेल रैंग द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे ही बेल बजती है, जो टीचर होती है उनकी, वो बोलती है कि आप मेरे पीछे आओ, ठीक है। वे सही बच्चे कहाँ जा रहे होते हैं, लाइब्रेरी में। व्हेन मैरी स्टेप्ड इनसाइड शी फाउंड दैट द लाइब्रेरी वाज मच लार्जर देन देयर क्लासरूम एंड देयर वर सो मैनी सेल्फ्स ऑल फुल ऑफ बुक्स। इन वन कॉर्नर वॉज अ कपबोर्ड फिल विद द लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स। सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द कपबोर्ड, द टीचर सेड दैट कपबोर्ड हैज वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजन्स। देखो, जब मैरी ने क्लास जब टीचर ने बोला कि आप मेरे पीछे आओ, तो मैरी उसके पीछे गई। तो जैसे ही मैरी ने लाइब्रेरी में पैर रखा, उसने देखा कि जो उसकी लाइब्रेरी है वो उसकी क्लासरूम से भी बड़ी है, ठीक है। और आप लाइब्रेरी में जब जाते हो तो बहुत सारी बुक देखने को मिलती हैं, तो मैरी के साथ भी यही हुआ। उसने देखा कि उधर बहुत सारे सेल्स रखे हैं जिसमें बहुत सारी बुक थी, और वो सारे सेल्स जो थे वो फुल थे, ठीक है। एक कॉर्नर में उसको कबोर्ड दिखता है, ठीक है, वो कबोर्ड में कुछ पुरानी किताबें दिखती हैं। अब उस पुरानी किताबों को देख के मैरी का मन करता है कि उस कबोर्ड को खोला जाए। तो टीचर ने बोला, जो उसके टीचर थी, उसने बोला कि उस कबोर्ड में जो है ना, वो पुराने धार्मिक किताबें रखी हुई है, ओल्ड डिफरेंट रिलीजन टेक्स्ट बुक रखी हुई है, ठीक है, वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजन्स, ठीक है, अलग अलग धर्मों के बहुत अलग अलग क्या किताबें रखी हुई हैं। तो उसके टीचर पूछते हैं कि डिड यू नो डैट वी हैव अ सेट ऑफ द वेदास। बोलती है कि तुम्हें पता है कि हमारे पास भी एक ओल्ड ट्रेडिशनल किताब है, ओल्ड रिलीजन टेक्स्ट बुक है, जिसका नाम है वेदास, ठीक है। तो व्हाट आर वेदास, मैरी के दिमाग में कुछ नहीं आया, मैरी को पता नहीं था इससे पहले, तो मैरी ने सोचा कि यार ये वेदास क्या है, ठीक है। अब हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वेदास क्या है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्सेस इन द वर्ल्ड। लिटरेरी मतलब होता है जिसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, और सोर्सेस मतलब होता है स्रोत। इतिहास के बारे में जानने के लिए एक बहुत ही पुराना स्रोत है हमारे पास, जिसका नाम है वेद, ठीक है। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास, देयर आर फोर ऑफ देम। तुमने वेदा के बारे में सुना होगा, आपने किसी ओल्डर वन से, जब आपकी फैमिली में कोई ओल्डर वन होगा, उनसे आपने सुना होगा कि वेदा कुछ होते हैं किताब, हमारे रिलीजन टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। और चार प्रकार के वेदा होते हैं। कौन कौन से वेदा होते हैं, कौन कौन से वेद हैं? सबसे पहले है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, और चौथा है अथर्ववेद। ठीक है, तो ये चार वेद के बारे में आपने सुना होगा, या फिर इनमें से कोई एक तो आपने नाम जरूर सुना होगा अपनी लाइफ में, अगर आप सेवेंथ में सिक्स में आ चुके हो तो,
ठीक है, अगर नहीं सुना तो आप अपने किसी फैमिली में जाओ, किसी ओल्डर वन के पास जाओ, उनसे बोलो कि दादी या फिर भैया या फिर पापा या मम्मी, किसी को भी पकड़ो, उनसे बोलो कि मम्मी वेद क्या होते हैं, तो मम्मी बताएगी कि हमारे रिलीजन में कुछ स्पेशल टेक्स्ट बुक होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग हाइम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उसे को क्या बोलते हैं, वेदास। कौन कौन से वेद है, तो ऋग्वेद है, साम वेद है, यजुर्वेद है एंड अथर्वेद है। सबसे पुराना जो वेद है उसका नाम है ऋग्वेद, ठीक है, सबसे पुराना, ओल्डेस्ट, ठीक है, तो ये हम मान सकते हैं कि सबसे पुराना है। द ओल्डेस्ट वेदा इन इज द ऋग्वेदा। ये कब, इसका कंपोजिशन कब हुआ था, अभी से लगभग 3500 साल पहले, ठीक है, अभी 2000 चल रहा है, मतलब कि अगर हम टाइम पे देखें, अगर हम नंबर लाइन पे अगर हम टाइम को रिप्रेजेंट करें तो ये होगा 0, 0 से ही 1500 साल पहले से, 1500 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, और अभी हम कहाँ पे हैं, 2023 में, 2023 में, अभी से देखो तो 3500 से ज़्यादा ही हो गए, साफ साफ दिख रहा है ना, 3500 से ज़्यादा हो गए, है ना। तो ऋग्वेद का कंपोजिशन कब होता, अभी से 3500 साल पहले। द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 ऑफ हाइम्स कॉल्ड सुक्त और वेलसेड। अब ऋग्वेदा के अंदर ना श्लोक है, श्लोक नाम सुना होगा आपने, श्लोक है, श्लोक मतलब होता है जब आप किसी भगवान की, जब आप किसी की तारीफ करते हो तो आप एक श्लोक में तारीफ करते हो, ठीक है, एक राइमिंग टाइप का होता है, ठीक है। तो ये लिखा होगा कि दो हाइम्स है, जो श्लोक है, आर इन प्रेज, किसकी प्रेज में है, द हाइम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। जो हाइम्स है उसके अंदर वो बहुत सारे जो श्लोक है उसमें ऋग्वेदा में वो गॉड है, बहुत अलग अलग गॉड है, जैसे अग्नि है, इंद्र है, सोमदेव है, इन सब की तारीफ में क्या लिखा गया है, इनकी तारीफ में ऋग्वेदा में लिखा हुआ है, इनके तारीफ में श्लोक लिखे हुए हैं ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। तो तीन गॉड है, पहले है अग्नि, दूसरे है इंद्र और चौथी है सोम, ठीक है। सोम अग्नि जो देव है, अग्नि तुम्हें पता है कि अग्नि जो होते हैं वो आग को बोलते हैं, गॉड ऑफ फायर। उसके बाद है इंद्रदेव, तो इंद्रदेव कौन होते हैं, वॉरियर गॉड है हमारे। तीसरा है सोम, तो सोम एक पौधा है, सोम जो होता है तुमने नाम सुना होगा, सोमरस, ठीक है, तो उससे एक प्लांट में से निकलता है क्या, ड्रिंक, स्पेशल ड्रिंक निकलता है, इसका नाम होता है सोमरस, ठीक है। उनके बारे में भी, उनकी भी तारीफ की गई है किसमें, इन हाइम्स में, जो कि वेदास में लिखी हुई है, ठीक है। दीज हाइम्स वर कंपोज बाई, और अब ये हाइम्स बनाते कौन थे, इस हाइम्स को कंपोज करने वाले कोई होंगे, तो ऋषि मुनि जो होते थे वो इन हाइम्स को लिखते थे, लिखते नहीं थे वैसे तो, उस टाइम पे लिखने का जमाना नहीं था, लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनकी बातों को पहुंचाते थे, ठीक है। देखो लिखा भी है, प्रिस्ट टॉट स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर। जो प्राइस्ट होते थे, जो मंदिर में पुजारी होते, जो ऋषि होते थे, वो अपने स्टूडेंट को सिखाते थे क्या, ये वेदा जो है ना उसको सिखाते थे, और बोलते हैं कि इसको याद कर लो, रट लो एकदम, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, है ना, और उसको जाके अलग अलग जगह पे प्रीच करो, रिसाइट करो, सुनाओ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज टॉट एंड लर्नड बाय मैन, बहुत सारे जो हाइम्स है, ठीक है, वो मैन द्वारा लिखे गए हैं और सिखाए गए हैं। उनमें से कुछ ही है जो क्या, वुमेन्स द्वारा कंपोज किए गए हैं, उनमें से कुछ जो हाइम्स है वो वुमेन्स द्वारा लिखे गए हैं, बाकी जो है वो किसने, मोस्टली किसने लिखे हैं, मेंस द्वारा लिखे गए हैं। ऋग्वेदा जो ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा इज एन ओल्ड और वैदिक संस्कृत विच इज डिफरेंट फ्रॉम संस्कृत यू लर्न इन स्कूल डेज। देखो ऋग्वेदा में जो संस्कृत भाषा लिखी हुई है उसको क्या बोल सकते हैं, या तो वो ओल्ड संस्कृत है, या वो वैदिक संस्कृत बोलो, क्योंकि ऋग्वेदा में लिखा हुआ जो संस्कृत है वो आज के संस्कृत से बहुत ज्यादा अलग है, ठीक है, जो आप स्कूल में सीखते हो उस संस्कृत से बहुत ज्यादा अलग है ऋग्वेदा का संस्कृत, ठीक है। अब जो भी संस्कृत और जो बाकी लैंग्वेज है उनका एक ओरिजिन होता है, ठीक है, अब वो ओरिजिन को बोलते हैं संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज, इनके एक ओरिजिन हुआ कि मतलब इन, ये जो लैंग्वेज है उनका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, ठीक है। तो संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। तो संस्कृत जो लैंग्वेज है वो इंडो यूरोपियन फैमिली का पार्ट है, कैसे,
वो भी मैं समझाऊंगा अगर लेटर ऑन जब हम पढ़ेंगे इसको आगे, तो इसमें और आपको एग्जांपल भी दे रखा है ठीक है। जैसे कुछ इंडियन लैंग्वेजेस है जैसे कि आसामी हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी और कश्मीरी और सिंधी, और जितने भी एशियन लैंग्वेजेस है जैसे कि पर्शियन हो गया और बाकी सारी इंक्लूडिंग इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये सारी किस फैमिली से है? इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती है ठीक है। अब सर इंडो यूरोपियन फैमिली का मतलब क्या होता है? देखो एक वर्ड है संस्कृत में मात्र, मात्र मतलब क्या होती है? माँ ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको माँ ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं उसमें मदर। तो तीनों ही लैंग्वेज में देखो, तीनों ही लैंग्वेज में ये जो वर्ड है माँ वो कॉमन है, मात्र, माँ और मदर ठीक है। तो इन तीनों का क्या हुआ? कॉमन ओरिजिन हुआ ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, ये इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करते हैं ये सारी लैंग्वेजेस। कौन कौन से? आसामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशिया में चल जाओ तो एशिया की लैंग्वेज कौन कौन सी? पर्शियन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन और स्पेनिश, ये सभी किस फैमिली का पार्ट है? ये सभी किस फैमिली का पार्ट है? वो है इंडो यूरोपियन फैमिली के पार्ट ठीक है। इसीलिए इनके जो बहुत सारे वर्ड जो है ना एक दूसरे में कॉमन देखे गए हैं, जैसे कि संस्कृत में मात्र है, हिंदी में माँ है और इंग्लिश में मदर है। वैसे अगर हम ब्रदर को देखें, अगर हिंदी में बोले तो भाई बोलते हैं भाई, संस्कृत में भ्राता बोलते हैं और इंग्लिश में ब्रदर बोलते हैं। आपको इन तीनों में सिमिलैरिटीज दिख रही हैं? अगर आपको सिमिलैरिटीज दिख रही है तो आप समझ सकते हो कि तीनों जो वर्ड है, तीनों जो लिखे हैं मैंने, तीनों अलग अलग लैंग्वेज, उन वो सभी एक ही फैमिली से ओरिजिनेटेड है, उनके बहुत सारे जो वर्ड है आपस में कॉमन है। बाकी लैंग्वेजेस है जो कि हमारे इंडिया में यूज होते हैं वो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो उसमें तिब्बतो बर्मन फैमिली से बिलोंग करती है। नॉर्थ ईस्ट में जितने भी लैंग्वेजेस होती हैं वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? वो तिब्बतो बर्मन फैमिली से बिलोंग करती है। इसका मतलब दोनों नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी स्टेट्स है उन सभी स्टेट्स की लैंग्वेज जो है उसमें कुछ ना कुछ कॉमननेस दिखेगी आपको, समझ गए। साउथ में आओगे तो तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ये सारी द्राविडियन फैमिली से बिलोंग करती है। द्राविडियन फैमिली मतलब, अब द्राविडियन फैमिली का मतलब यही है कि इन तीनों ही लैंग्वेजेस में, चारों लैंग्वेजेस में कुछ ना कुछ जो वर्ड होंगे वो सिमिलर होंगे ठीक है। कुछ ना कुछ जो वर्ड होंगे वो सिमिलर होंगे, मतलब कि बहुत सारे जो वर्ड होंगे एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे ठीक है। और आप झारखंड में चल जाओ और सेंट्रल इंडिया में चले जाओ तो वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज होती है वो एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती है ठीक है। मतलब वहाँ के झारखंड के जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी हैं उन सबकी लैंग्वेजेस में कुछ ना कुछ जो कॉमन वर्ड है वो देखने को मिलेगा ठीक है। और जितने भी कॉमन वर्ड है उन सबका ओरिजिन क्या है? वो सेम है। वो कहाँ से आई है? ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से, समझ गए। अब हम कहाँ थे? ऋग्वेदक पे। तो ऋग्वेदक क्या है? द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। जो आप अभी आप अगर आप बुक लेने जाओगे तो ऋग्वेदा करके बुक आएगी, वो लिखी गई है और प्रिंट की गई है ठीक है। तो ऋग्वेदा तो पहले सुनाई जाती थी, पहले तो कोई लिखने का सिस्टम नहीं होता था ना। लिखने का सिस्टम अभी 200 सालों पहले से आया कि उसमें लिखा जाता था ठीक है। वैसे उस टाइम पे भी लिखा जाता था लेकिन कागज वगैरह पे थोड़ी लिखते थे, है ना, वो तो मैन्यूस्क्रिप्ट पे लिखते थे। अब मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है सर? तो जब आप पेड़ है पेड़ की छाल पे लिखोगे तो वो बन जाता है क्या? मैन्यूस्क्रिप्ट। पेड़ की छाल पे लिखोगे तो उसको क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट ठीक है। तो पुराने जमाने पे तो जो ऋग्वेद है उसको रिसाइट किया जाता था और सुना जाता था। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कम्पोज। जब ये पहली बार बनाया गया उसके बहुत सेंचुरीज बाद ही इसको लिखना चालू किया गया ठीक है। एंड प्रिंटेड, और प्रिंट कब से? अभी प्रिंट तो अभी उस टाइम पे लिखने की बात अलग है, प्रिंट करने की बात अलग है ठीक है। लिखना इज इन द सेंस कि आप लिख के उसको किताब में लिख दिया ठीक है, कॉपी है उसमें आपने लिख दिया ठीक है। और प्रिंट मतलब कि वो जो कॉपी है आपके पास जो किताब है उसी का बहुत सारे प्रिंट निकाल दिए और अब वो एक किताब से 10 किताब बन गई ठीक है। मशीन द्वारा आपने प्रिंट करके 1 से 10 किताब बना दिया ठीक है। तो पहले तो लोग सुनाते थे, फिर धीरे 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 टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो लोग लिखना चालू किए ठीक है। फिर लिखने के बाद अभी से 200 साल पहले जाओगे तो उस टाइम पे प्रिंटिंग चालू हो गया, फिर लोगों ने किताबों को प्रिंट करना भी चालू किया, है ना। अब हमने ये ऋग्वेदा देख ली, सबसे पुराना टेक्स्ट है। अब जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने पढ़ा कैसे इस ऋग्वेदा को ठीक है। अब इस ऋग्वेदा को हिस्टोरियंस पढ़ते कैसे, मतलब कुछ
तरीका होगा जिससे ये पढ़ते होंगे. टू हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामिन रिटन सोर्सेज एज वेल. लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा. देखो हिस्टोरियंस को आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड मिलते पहले तो ठीक है, मतलब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कुछ मॉन्यूमेंट मिल गया, कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग मिल गया, कुछ स्कल्पचर मिल गया ठीक है. लेकिन उसके एडिशन में बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स, मटेरियल रिमेन्स के साथ साथ वो एग्जामिन करते हैं जितने भी रिटन सोर्स है, मतलब कि जितने भी लिखे हुए सोर्स है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं ठीक है. अब देखेंगे कैसे जो हमारे हिस्टोरियंस है जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो ऋग्वेदा को पढ़ते हैं. तो आप जब ऋग्वेदा खोलोगे तो उसमें जो कुछ हाइम्स है कुछ श्लोक जो है वो ना डायलॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है. डायलॉग इन द सेंस जब आप मूवी देखते हो ना तो हीरो हीरो से जब टकराता है तो डायलॉग कहता है, डायलॉग बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, तो वो बोलता है नहीं तुम मुझे नहीं रोक सकते, समथिंग लाइक दैट. तो इसी टाइप से आपको क्या मिलेंगे, डायलॉग्स मिलेंगे ठीक है. दिस इज पार्ट ऑफ वन सच अ हाइम, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड टू रिवर्स. देखो विश्वामित्र, अब इसके दो लोग हैं, दो नदियां हैं और विश्वामित्र है, उनके बीच में जो डायलॉग बाजी हुई है मतलब बातचीत हुई है. अब कैसे हुई है, तो वो जो विश्वामित्र है जो सेज है, सेज है उनका नाम क्या है, विश्वामित्र ठीक है. और जो नदीज है वो कौन सी है, ब्यास और सतलुज, ब्यास और सतलुज ठीक है. That they worshipped as goddesses, जिनको ये माता की तरह मानते हैं ठीक है, देवी की तरह मानते हैं इन दोनों नदियों को. तुम्हें पता है कि ancient time में, ancient India में जो rivers थी उनको देवी की तरह माना जाता है. आज भी जो लोग हैं इंडिया में वो लोग नदियों को देवी की तरह मानते हैं ठीक है. तो कौन सी डायलॉग है, जरा इधर आओ. अब आप सतलुज और रिवर, सतलुज और ब्यास अगर मैं दिखाऊं तो सतलुज और ब्यास आप इधर आओ तो आपको सतलुज और ब्यास नदी दिखेंगी ठीक है. देखो अगर आप ठीक है, तो अगर आप इधर आओगे तो आपको यहां दिखेगा यहां पे ब्यास नदी है ठीक है, और ये आपको सतलुज रिवर दिखेगी ठीक है. तो वो समवेयर बिटवीन यहां होंगे, यहां इस वाले रीजन में होंगे ठीक है, मतलब ये वाला रीजन मान लेते हैं, ये तो रावी नदी आ गई फिर ठीक है. तो वो जो विश्वामित्र है वो इस वाले रीजन में खड़े होंगे ठीक है ठीक है, या फिर एकदम ऑन द कोस्ट ऑफ सतलुज एंड ब्यास रिवर. और ये इनसे क्या एक डायलॉग के फॉर्म में बात करते हैं, कैसे क्या बात करते हैं जरा देखते हैं, इधर आओ. तो वो बोलते हैं ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू शिफ्ट हॉर्सेज लाइक टू शाइनिंग काउज डेट लिक देयर काफ्स. विश्वामित्र बोलते हैं ही नदियों ठीक है, आप कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, पहाड़ों से आकर, पहाड़ों से आइए, जैसे कि एक घोड़ा जो है दौड़ कर आता है ठीक है ठीक है. लाइक टू शाइनिंग काउज डेट लिक देयर काफ्स, जैसे कि दो गाय अपने बछड़े को अपने बछिया को चाटती हैं ठीक है, लिक करती हैं. You move like chariots to the sea. Through the power of Indra, you are full of water and wish to unite with one another. आप जो है ठीक है, You move like chariots to the sea. ठीक है, आप ऐसे बहते हैं जैसे कि समुद्र, जैसे सी में ठीक है, क्या chariots दौड़ रहे हैं. chariots मतलब पता होते हैं ना, जैसे पुराने टाइम में जो घुड़सवार, जो उस टाइम पे जब राम, आपने देखा होगा रामायण, तो राम जी जिस पर रथ बोलते हैं, वैसे तो हिंदी में रथ बोलते हैं. You move like chariot to the sea. आप ऐसा लगता है कि आप सी में एकदम रथ दौड़ा रही हैं ठीक है. Through the power of Indra, इंद्र की ताकत से आप एकदम रथ को समुद्र के दौर, समुद्र के रास्ते पे सी के ऊपर दौड़ा रही हैं. आप यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर, आप दोनों ही पानी से भरी हुई है और आप दोनों ही की इच्छा कि आप एक दूसरे से मिल जाओ ठीक है. अब इसके रिस्पॉन्स में नदियाँ क्या कहती हैं, वी Who are full of water, move along the path the God have made for us. नदियाँ कहती हैं हम जो कि पूरी तरीके से पानी में भरे हुए हैं, पानी से भरे हुए हैं, हम उस रास्ते पर चलते हैं जिस रास्ते को भगवान ने बनाया है. Once we start flowing, we cannot stop. एक बार अगर हम बहना चालू कर देंगे तो हम नहीं रुक सकते. Why do you pray to us, O sage? नदियाँ कहती हैं विश्वामित्र को कि आप हमारे से क्यों गुहार कर रहे हो, बताइए. विश्वामित्र कहता है ओ सिस्टर्स,
Please listen to me. The singer who has come from a distance with his chariots and carts, let your waters not rise above our axles, so that we can cross safely. वो विश्वामित्र जो है नदियों को बोलते हैं, विश्वामित्र नदियों को बोलते हैं कि प्यारी बहने, सिस्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है, सिस्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है, सिस्टर से डिनोट करते हैं. प्लीज लिसन टू मी, कृपया मुझे सुने. द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम द डिस्टेंस विद हिज कैरियोट्स एंड कार्ट, वो व्यक्ति, वो सिंगर, वो गायक जो बहुत ज्यादा दूर से आया है अपने कैरियोट और अपने कार्ट में, अपने रथ में और अपने कार्ट में, ठीक है, आप कृपया, आपका जो जल है उसको हमारे एक्सल के लेबल से, एक्सल के लेबल से मतलब अगर ये पहिया है तो ये एक्सल होता है, जहाँ पर ये होता है, तो आप हमारे पहियों के एक्सल के लेबल से ऊपर ना आए, सुना, ताकि हम आराम से इस जो नदी है उसको पार कर सकें, ठीक है. नदिया कहती है, ठीक है, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो डैट यू कैन क्रॉस सेफली, हम तुम्हारे जो प्रार्थना है उसको सुनेंगे ताकि आप जो है आराम से यहाँ से सुरक्षित तौर से निकल सकें. तो विश्वामित्र, अब इसमें लिखा क्या है, सबसे पहले विश्वामित्र कहते हैं कि हे नदिया, ठीक है, आप पहाड़ों से आती हैं, ठीक है, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, आप पहाड़ों से आती है जैसे दो घोड़े एकदम दौड़ते हुए आ रहे हैं, जैसे कि एक गाय अपने बछड़े को लिक करती हैं, ठीक है, आप ऐसे दौड़ती हैं जैसे सी में, सी के अंदर एक रथ दौड़े, इंद्र की ताकत के समान आप ऐसे दौड़ती हैं, जैसे इंद्र इज अ गॉड ऑफ वॉरियर, ठीक है, तो आप एक वॉरियर के समान अपने रथ पे उस नदी में दौड़ती हैं, आप पूरी तरीके से पानी से भरी हुई है और आप दोनों व्यास और सतलुज एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा ही इच्छा करती हैं. देखो यहाँ पे मिल भी रही हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखोगे सतलुज और ब्यास, ठीक है, यहाँ पे देखो ये सतलुज और ब्यास जो नदी है आपस में मिलने के लिए बहुत बेकरार है. अगर आप मैप में देखोगे, इस वाले मैप में दिखाऊँ आपको, तो आप यहाँ पे देखोगे सतलुज और जो ब्यास है एक दूसरे से मिलने के लिए कितने ज़्यादा इच्छुक है, कितने ज़्यादा विश करते हैं कि एक दूसरे से मिल जाए, ठीक है. तो रिवर्स क्या बोलती है, वी, हम जो कि पूरी तरीके से पानी से भरे हुए हैं, हम केवल उसी रास्ते पर चलते हैं जिस रास्ते को भगवान ने बनाया है. हमने अगर एक बार चलना चालू कर दिया तो हम रुक नहीं सकते, तो आप हमारे सामने क्यों इतनी प्रार्थना कर रहे हैं. तो विश्वामित्र बोलते हैं, हे बहने, कृपया मुझे सुने, मैं एक ऐसा गायक हूँ जो बहुत ज़्यादा दूर से आया हूँ अपने रथ पर सवार होकर, कृपया आपका जो जल का स्तर है, पानी का जो स्तर है, वो हमारे एक्सल से ऊपर ना लें. एक्सल मतलब पता नहीं कहते, वो पहिया होता है, पहिए को जो जोड़ने वाला ये होता है ना, इससे दूसरा पहिया जुड़ता है, इसको बोलते हैं एक्सल, ठीक है. तो कृपया आप, लेट योर वाटर नॉट राइज अबव आवर एक्सल, हमारा जो एक्सल है उससे आपका पानी का जल स्तर ऊपर ना जाए. मैं बस आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपका पानी अगर हमारे एक्सल के ऊपर से ना जाए तो हम आराम से सेफली इस रिवर को क्रॉस कर सकते हैं. तो रिवर्स बोलती हैं, ठीक है, हमने तुम्हारी पुकार जो है सुन ली, अब आप इस रास्ते को जो है वो क्रॉस कर सकते हो एकदम सेफली, ठीक है. आगे लिखा हुआ है हिस्टोरियंस पॉइंट, हिस्टोरियंस को क्या मिलता है, हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट दिस हाइम वॉज कंपोज इन द एरिया वेयर द टू रिवर्स फ्लो. हिस्टोरियंस को ये पता चलता है कि जो भी ये हाइम है वो कहाँ पे कंपोज हुआ था, जहाँ पे दो नदियाँ बहती हैं. दे ऑल्सो सजेस्ट दैट द सेज लिव्ड इन अ सोसाइटी वेयर हॉर्सेज एंड काउस वर वैल्यूड एनिमल्स. देखो उसने, जो सेज है, जो ऋषि है, उसने दो दो लोगों को मेंशन किया, पहला है हॉर्स, दूसरा है काउ. और जो हॉर्स और काउ है दोनों को एकदम प्लीजेंटली मेंशन किया गया है, ठीक है, मतलब कि ये दोनों की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी उस टाइम पे, हॉर्स और काउ की, गाय और घोड़े की. जब ये हाइम है उस टाइम पे गाय और जो घोड़े हैं उनका बहुत ज़्यादा महत्व होता होगा. डेट इज़ वाई द रिवर्स आर कंपेयर टू बी हॉर्सेज एंड काउस. इसीलिए जो रिवर है उसको कंपेयर किया गया किससे, हॉर्स से और काउ से. अदर रिवर्स स्पेशली द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड द सरस्वती आर ऑल्सो नेम्ड इन द हाइम्स. अगर हम हाइम्स को देखें ऋग्वेदा में जाके तो आपको बाकी नदियाँ भी दिखेंगी, जैसे कि इंडस हो गया, ठीक है, सरस्वती हो गया, इंडस की ट्रिब्यूटरीज हो गए, छोटी छोटी नदियाँ इंडस की, ठीक है. गंगा और यमुना जो है दो नदियाँ, इनका नाम केवल एक बार लिया गया है ऋग्वेदा के अंदर, ठीक है, हाइम्स के अंदर. हाइम्स के अंदर जो गंगा है और यमुना है उसका नेम केवल एक बार लिया गया है, ठीक है.
समझ गए। आगे लिखा हुआ है, अब कैटल्स हॉर्सेस एंड कैरियोट्स इनके बारे में क्या लिखा है, देर आर मैनी प्रेयर इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, ठीक है, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस, देखो बच्चों के लिए, कैटल के लिए और घोड़ों के लिए बहुत ज्यादा ही क्या हाइम्स श्लोक लिखे हुए हैं, क्या श्लोक लिखे हुए हैं पशुओं के लिए, घोड़ों के लिए और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ही हाइम्स लिखे हुए हैं, प्रेयर्स लिखे हुए हैं हमारे ऋग्वेदा में। हॉर्सेस वर योग्ड टू कैरियोट्स दैट वर यूज इन द बैटल्स विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल, देखो हॉर्सेस को, हॉर्सेस का इस्तेमाल किस लिए होता था, अगर मैं वो रथ बनाना है तो रथ के आगे मैं क्या करूंगा, घोड़े को लाऊंगा, घोड़े से मैं लड़ाई करूंगा और लड़ाई से मैं क्या कैप्चर करूंगा, कैटल्स, कैटल्स मतलब पशु, पशुओं को कैप्चर करूंगा मैं। बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड विच वर इम्पोर्टेंट फार फॉर पेस्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट डिपेंड क्विकली सच एज बार्ली, देखो जंग क्यों होता था, जंग के लिए, जंग का दो था, एक पहला तो कैटल, कैटल को कैप्चर करने के लिए हमने घोड़े को रथ में लगाया, रथ से लड़ाई की, लड़ाई से हमने क्या किया, कैप्चर कर लिया किसको, पशुओं को। अब लड़ाई और किस लिए होता था, देखो भूमि होती थी एग्रीकल्चर लैंड, फॉट फॉर लैंड, लैंड जमीन के लिए लड़ाई होती थी क्योंकि उस टाइम पे जो खेती है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता था, लैंड, ठीक है, और उस लैंड पे ऐसे क्रॉप उगाए जाते थे जो कि जल्दी उग जाए, जैसे कि बार्ली हो गया, बार्ली मतलब होता है जौ, ठीक है। सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल, दूसरा होता था वाटर, पानी के लिए, पानी के लिए भी लड़ाई होता था और लोगों के लिए भी। अब लोगों के लिए क्यों, अगर मैं दूसरे राज्य पे जाऊंगा और हमला करके उस राज्य को जीत जाऊंगा तो वहां के लोग मेरे गुलाम हो जाएंगे। सम ऑफ द वेल्थ, अब जितना भी हमने लूटपाट किया, जितना भी हमने लड़ाई करने के बाद जो पैसे आए, अब उसका काम क्या होता था, तो सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर्स, जितना भी हमने युद्ध में सामान जीता है, जितना भी पैसे कमाए हैं, जो लूटा है हमने, ठीक है, वो लीडर्स यानी राजा रख लेते थे उस टाइम पे, जो लड़ाई के टाइम पे जो लीडर बन के जाता था वो उसको रख लेते थे, ठीक है, बाकी जो होते थे वो पंडितों में बांट दिए जाते थे, कुछ कुछ अमाउंट जो है पंडितों में बांट दिया जाता था, बांट दिया जाता था, ठीक है, बाकी जो होते थे, बाकी उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो कहाँ जाता था, हमारे जनता के बीच में, कुछ पैसा यज्ञ करने के लिए भी रखा जाता था, ठीक है, जो कि यज्ञ के सामने, अग्नि के सामने जो यज्ञ होता था उसके लिए भी कुछ पैसा रखा जाता था। तो वेल्थ का यूज कहाँ कहाँ हुआ, पैसे का यूज पहले तो लीडर रख लेता था, दूसरा, दूसरा क्या, प्रिस्ट मतलब कि पुजारी को दे दिया जाता था, तीसरा क्या था कि लोगों में बांट दिया जाता था, जो भी उस राज्य के लोग है वहां पे बांट दिया जाता था, चौथा क्या था, यज्ञ के लिए, यजन, यजनास, ठीक है, यजनास जिसको बोलते हैं सेक्रीफाइसेस, ठीक है, तो सेक्रीफाइसेस इन सब के लिए क्या हमारे वेल्थ का यूज होता था, ठीक है। अब ये सेक्रीफाइसेस होते थे वो कहाँ होंगे, आग के अंदर जितने भी यज्ञ होते हैं वो कहाँ होते हैं, आग के अंदर होते हैं। दीज वर मेंट फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस, ये जो यज्ञ होते थे वो क्या भगवान के लिए, देवी के लिए, ये देवताओं के लिए होते थे। ऑफरिंग कुड बी इंक्लूड घी, ग्रेन एंड सम केसेस एनिमल्स, अगर भगवान को हम कोई चीज ऑफर कर रहे हैं तो क्या क्या ऑफर करते थे, या तो घी करते होंगे, या ग्रेन अनाज करते होंगे, या फिर जानवर, जब यज्ञ करते थे तो ये सब बलिदान के रूप में, अभी भी देखिए आप भी, अभी भी आप अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एरियाज में बलिदान के रूप में इनका यूज होता है, कि बलिदान देने के लिए क्या गायों का इस्तेमाल होता है, ठीक है, गायों बोल रहा हूँ, सॉरी गायों को बोल रहा हूँ, बहुत सारी जगह कैटल्स का इस्तेमाल होता है, बकरे कटते हैं या फिर जो लोग जिस जो भी रिचुअल होता है वहाँ के लोगों का वो लोग निभाते हैं, ठीक है, ठीक है, सॉरी मैंने वो गाय का नाम ले लिया, मतलब मेरा नाम था बस सेक्रीफाइस का मतलब था, सॉरी अगर गलती से हुआ मेरे से, ठीक है। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर, बहुत सारे आदमी जो होते हैं ना इसके अंदर अपने जो भी वॉर होता था, अगर लड़ाई होती थी तो बहुत सारे जो लोग हैं इसके अंदर हिस्सा लेते थे। उस टाइम पे कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, आर्मी जो था, अगर मैं आर्मी की बात करूं, आर्मी कैसी थी, आर्मी रेगुलर नहीं थी, ठीक है, बट देयर वर असेंबलीज, पीपल मेट एंड डिस्कस मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस, लेकिन असेंबली होती थी, क्या
असेंबलीज होती थी, असेंबलीज क्यों होती थी, ताकि लोग आके बातचीत कर सके, अगर किसी दूसरे राज्य पे हमला करना हो या फिर हमें अपने राज्य में शांति की स्थापना करना हो तो हम क्या करते थे, असेंबली किया करते थे उस टाइम के लोग, ठीक है। और उस टाइम पे कोई राजा नहीं हुआ करता था, मतलब कोई स्पेसिफिक राजा नहीं हुआ करता था, समझ गए। तो उस मीटिंग में लोग क्या करते थे, अपने लीडर्स को चुनते थे, ठीक है, हु आर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स। तो क्या लीडर को चूज करेंगे, और लीडर्स क्या होंगे, या तो ब्रेव होंगे या फिर स्किलफुल वॉरियर्स होंगे। अब राजा तो वही बनेगा ना जो सब चीज में माहिर हो, तो या तो वो बहादुर हो या वो लड़ाई की किसी कला को जानता हो, ठीक है। तो उसको राजा, उसको लीडर बना दिया जाता था, ठीक है, समझ गए। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, अब लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन से वर्ड थे। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज एंड कल्चर प्रैक्टिसेस। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज इन द डिस्क्राइब पीपल इन द ऋग्वेद। देखो लोगों को हम किस 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 तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक तो उनके काम की वजह से, ठीक है, दूसरा उनकी भाषा के आधार पर। अगर हमें दूसरों को डिस्क्राइब करना है कि वो व्यक्ति कौन है, तो या तो उसका काम के आधार पर हम बोलेंगे वो एक आईएएस ऑफिसर है, या हम बोलेंगे वो एक पुलिसमैन है, ठीक है, उसके लैंग्वेज के आधार पर कि वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है, तो ही स्पोक, ही स्पीक्स मराठी या ही स्पीक्स तमिल, ठीक है, तो उसके लैंग्वेज के बेस पे उसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, या फिर वो कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। अगर कर्नाटका का है तो हम बोलेंगे वो कर्नाटका का है, डिस्क्राइब करेंगे ऐसे, उसकी फैमिली से डिस्क्राइब करेंगे, कम्युनिटी से, कल्चर से, जो भी वो प्रैक्टिस कर रहा था, प्रैक्टिस करेगा उसके हिसाब से हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो अब देखते हैं कि ऋग वेदा में लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से वर्ड का यूज हुआ है। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म ऑफ देयर वर्क। दो ग्रुप है जिनको अपने काम के आधार पर डिस्क्राइब किया गया है। पहला है पंडित, जिसको हम ब्राह्मण बोलते हैं, हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स एंड द राजास, ठीक है, पंडित, पंडित मतलब ब्राह्मण, सॉरी ब्राह्मिन्स, ब्राह्मण जिसको बोला जाता है ब्राह्मण या फिर प्राइस्ट, ठीक है, ये रिचुअल परफॉर्म करते थे हमारे लिए, ठीक है। और दूसरे कौन है, राजा। पंडितों का काम क्या होता था, ब्राह्मणों का काम क्या होता है, रिचुअल्स को परफॉर्म करना, ठीक है। आगे लिखा है, द राजाज वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर, दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज प्लेसेस और आर्मीज, नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्सेस। देखो अगर आप राजा के मन में आप ये सोच रहे हो कि उस टाइम के राजा भी बहुत ज़्यादा अमीर होते थे और बहुत ज़्यादा उनके पास राज्य होता था, आर्मी होती थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। राजा के पास ना कोई जगह होती थी, ठीक है, ना कोई पैलेस होता था, ना ही कोई आर्मी होती थी, ठीक है, ना ही वो टैक्स कलेक्ट करते थे, और ना ही उनके बेटे फिर से राजा बनते थे, ठीक है। मतलब कि अगर राजा का बेटा राजा बनता है ना वैसे तो देखा जाए, तो उस टाइम पर राजा का बेटा राजा भी नहीं बनता था, ठीक है। तो राजा को उस टाइम कैसे डिनोट किया गया है, कि उनके पास कोई कैपिटल नहीं था, ठीक है, कोई भी सिटी नहीं थी, कोई आर्मी नहीं थी, कोई भी कैपिटल टैक्स, कैपिटल जो, कोई भी टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं कर सकता था, ना ही उसका बेटा जो है राजा बन सकता है, अगर उसका पिताजी राजा है तो बच्चा राजा नहीं बनेगा। टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब, टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। देखो लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए दो वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, द वर्ड जना, विच वी विल स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेज। जना मतलब क्या होती है, जनता, जना मतलब क्या होती है, पब्लिक, तो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं जना, ठीक है। एर द अदर वर्ड, द अदर वॉज विश, द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम द विश, यू विल लर्न मोर अबाउट चैप्टर 5। और दूसरा क्या है, वैश्य, ठीक है, और उसको नाम क्या होता है, विश, ठीक है। दूसरे लोगों का नाम होता है विश, ठीक है, और दूसरा नाम क्या होता है, वैश्य, ठीक है। वैश्य और विश जो है दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। सेवरल विश और जना आर मेंशन बाय नेम, सो वी फाइंड रेफरेंस टू पूरा जना और विश, द भारत जना और विश, द यदु जना या फिर विश, ठीक है, एंड सो ऑन। हमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश और जना के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है, उनके नाम से रेफरेंस किया गया है, ठीक है, उनके नाम से, जैसे पुरोजना हो गया या फिर विश, या तो वो व्यक्ति होगा या वो विश होगा या फिर वो जना होगा, ठीक है, भारत जना या फिर विश, भारत विश या भारत जना। दूसरा है यदु जना, यदु जना या फिर यदु विश, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होंगे। तो इनके टाइटल से डिनोट कर रखा है किसमें,
ओल्ड टेक्स्ट बुक में वेदास के अंदर, ठीक है। समटाइम्स द पीपल हु कंज्यूम द कंपोज द हाइंस डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्यस, कॉल्ड देयर ओपोनेंट्स दास्यूस, ठीक है, या दासस, ठीक है, जिसने भी ये कंपोज किया है, ठीक है, कंपोज किसने किया है, जिसने भी ये कंपोज किया है वेदा, वो कौन थे, आर्यास, आर्यंस, ठीक है, उनके जो ओपोनेंट्स है वो कौन से, दासस, ठीक है, दास मतलब कौन थे, स्लेव, स्लेव्स, ठीक है। These were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. Later the term dasa come to mean slave. बाद में जो दासा है इसका मतलब क्या होगा, स्लेव हो गया। और जो स्लेव होते थे वो कोई भी सेक्रीफाइस परफॉर्म नहीं करेंगे, कोई भी रिचुअल परफॉर्म नहीं करेंगे, है ना। स्लेव्स वर वुमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर। जो स्लेव होते थे वो कौन होते थे, या तो मैन होते थे या वुमेन होती थी, जिनको कहाँ से लाया गया, वॉर से, ठीक है। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स, और ये प्रॉपर्टी की तरह काम करते थे, जो भी स्लेव होता है वो प्रॉपर्टी की तरह माना जाता था, जो भी इनका ओनर है इसको एक प्रॉपर्टी की तरह देखता था, ठीक है। हु कुड मेक देम डू वट एवर वर्क दे वॉन्टेड, इनको कोई सा भी काम करा सकता है जो भी ओनर चाहेगा, ठीक है। तो जिसने भी कंपोज किया वेदा वो आर्यस थे, आर्या के ओपोनेंट्स थे वो थे दासा। बाद में इनका नाम, बाद में इन लोगों को स्लेव की तरह जानने लगे कि ये नौकर है, ठीक है, ये मैन और वुमेन दोनों हो सकते थे, ठीक है। अब इनसे वही, और ये मैन और वुमेन कहां से आते थे, वॉर से, कहां से आते थे, वॉर से, जो भी युद्ध हुआ जिसमें राजा जीत गया तो वहां के राज्य के लोगों को, या फिर स्त्री हो या फिर पुरुष हो, उनको उठा के ले आता था एज अ स्लेव, फिर इनसे वही काम कराता था जो वो चाहे, कौन चाहे, ओनर, ओनर जो चाहे वही ये काम करते थे, ठीक है। विद द ऋग्वेदा, देखो अब नॉर्थ वेस्ट में ऋग्वेदा जब कंपोज हो रही थी, अगर ये इंडिया है, अगर मैं तुम्हें लेके जाऊं मैप पे, मगर अगर तुम्हें मैप पे लेके जाऊं तो अगर ये इंडिया है तो ये नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में जब ऋग्वेदा कंपोज हो रही थी, ये दोनों जिस जो भी बताने वाला हूं उन दोनों को टाइम पीरियड जो है एकदम सेम है, वो उसी टाइम साउथ इंडिया में क्या मेगालिथिक एज चल रहा था, ठीक है। दिस टाइम पर नॉर्थ वेस्ट में ऋग्वेदा को कंपोज किया जा रहा था, लिखा जा रहा था, प्रीच किया जा रहा था, उस टाइम पे साउथ इंडिया में मेगालिथिक पीरियड चल रहा था, समझ गए। आगे है, दीज स्टोन बोल्डर्स वर नोन एज मेगालिथ, साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं हम, साउथ इंडिया में क्या मेगालिथ चल रहा था, मेगा मतलब होता है बड़े और लिथिक मतलब होते हैं पत्थर, ठीक है। तो दीज स्टोन बोल्डर्स वर ऑल्सो नोन एज मेगालिथ्स, बड़े बड़े जो पत्थर हैं इनको क्या बोला जाता था, मेगालिथ्स, ठीक है, लिटरली बिग स्टोन्स। दीज वर केयरफुली अरेंज बाय पीपल एंड वर यूज टू मेक बरियल साइट्स, इन पत्थरों को अच्छे से अरेंज किया जाता था, एक के ऊपर एक रख के फिर उससे क्या बनाया जाता था, बरियल साइट, जिसके नीचे लोगों को दफनाया जा सके, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स अगो एंड वॉज प्रिवेलेंट थ्रू द डक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर, और ये कहाँ कहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस था, वो था साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, है ना, कश्मीर में, कश्मीर में था, डक्कन में, इन सारे रीजन में बहुत ज़्यादा ही प्रिवेलेंट था, बहुत ज़्यादा ही प्रचलित था ये मेथड, ठीक है। और ये कब चालू हुआ था, 3000 साल पहले, मतलब जब वेदास कंपोज हो रहे थे उसी के टाइम पीरियड की बात है, ठीक है। अब ये देखो मेगालिथ से बना हुआ एक बरियल है, ठीक है, यहाँ देखोगे तो ये एक बरियल है, इसके अंदर इंसान को लिटाया जाता होगा, ठीक है। यहाँ पे एक होल दिखेगा, होल दिख रहा है, आप इस डायग्राम को एक बार ढंग से देख लो, क्योंकि डायग्राम बाद में जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन ऑन मैप टू, ठीक है, पेज नंबर 12, जब आप पेज नंबर 12 पे जाओगे तो आपको मेगालिथ साइट दिखेंगे। अगर मैं लेके चलूँ ये रहा पेज नंबर 12, तो आपको मेगालिथ साइट देखो कौन कौन से, पहला है इनाम गांव, मेगालिथिक साइट में पहला है क्या, सॉरी पहला है क्या,
ब्रह्मगिरी, पहला है ब्रह्मगिरी, दूसरा है अदि चनालौर, ठीक है, दो है, कौन है, ब्रह्मगिरी, दूसरा अदि चनालौर, ठीक है, ये दोनों क्या है, मेगालिथिक साइट्स हैं, ठीक है। जितने भी मेगालिथिक साइट का मतलब क्या होता है, जहां पे बड़े बड़े पत्थरों के अवशेष मिले हैं, वो मेगालिथिक साइट्स हों। वाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस, अदर मेगालिथ बरियल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड। देखो कुछ मेगालिथ, देखो बड़े बड़े बरियल्स जो है, या तो वो जमीन के ऊपर होते थे, या कुछ जो होते हैं वो जमीन के अंदर जो है दफना दिया जाता था। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। दीज आर द ओनली इंडिकेशन दैट देयर वर बरियल बीनीथ। देखो अगर जमीन के अंदर बरियल है तो क्या कर देते थे, अगर ये बरियल है तो उसके ऊपर या तो एक पत्थर रख देते थे, जिससे कि पता चल जाए कि भाई इस जमीन के नीचे जो है ना किसी की बरियल है, किसी की कब्र है, ठीक है। ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स, सभी बरियल्स के अंदर कुछ ना कुछ आम बात थी जो एक जैसी थी। सभी बरियल्स के अंदर आमतौर पर जो डेड है, जो मरा हुआ आदमी है, उसको बरी किया जाता था अलग अलग टाइप के पोर्ट्स के साथ, जिसका कलर जो कि ब्लैक और रेड वेयर से बना था, ब्लैक और रेड कलर में थे, ठीक है। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स वेपन्स ऑफ आयरन समटाइम्स स्केलेटन ऑफ हॉर्सेज हॉर्स इक्विपमेंट्स एंड ऑर्नामेंट स्टोन एंड गोल्ड। कभी कभी हथियार मिलते थे लोहे के, जैसे कि नीचे देखो तो आपको एक डागर मिलेगा, क्या मिलेगा, एक डागर मिलेगा, ठीक है। हॉर्स के इक्विपमेंट्स मिलेंगे, हॉर्स के स्केलेटन भी मिलेंगे, घोड़ों के क्या मिलेंगे, हड्डियां भी मिलेंगी आपको, और घोड़ों के, घोड़ों को चलाने के लिए आपको इक्विपमेंट भी मिलेंगे, जैसे कि सीट्स होती थी जिसके ऊपर बैठते हैं लोग, ठीक है, वो मिलेगी, वो भी मिले हैं। और क्या मिले हमें, स्केलेटन मिला हॉर्सेस का, और स्टोन और गोल्ड, स्टोन और गोल्ड के वो मिले हमें, क्या स्टोन और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, ठीक है। तो आप ये देखो, तो ये आपको कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको क्या, ये गले में लगाने वाला, ये घोड़े के गले में लगाते हैं रस्सी, है ना, तो ये घोड़े के जो इक्विपमेंट्स है वो क्या मिले, तो गले में, घोड़े के गले में लगाने वाले रस्सी है। यहाँ पे आपको मेटल का क्या मिलेगा, आपको एक एक्स मिलेगा, एक एक्स मिलेगा, यहाँ देखोगे तो एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, पता ही है, और ये डागर है, पुराने जमाने की चाकू, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद द स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। देखो जो भी स्केलेटन मिला है वो प्रोबेबली जो है वो मरा हुआ आदमी की है। समटाइम मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अदर, कभी कभी एक ग्रेव से ज्यादा दूसरे ग्रेव के अंदर सामान मिलता था, ठीक है। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप टू, हियर वन स्केलेटन वॉज बरीड विद 33 गोल्ड बीड्स, देखो, और टू स्टोन बीड्स, चार कॉपर बैंगल्स, ठीक है। अगर मैं ब्रह्मगिरी में लेके जाऊं तो ये ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी में एक क्या मिला हमें, बरियल मिला है जिसके अंदर 33 गोल्ड बीड्स थे, टू क्या स्टोन बीड्स थे, ठीक है, और बैंगल्स मिले हमें, चूड़ियां, समझ रहे हो। और बाकियों में क्या मिला हमें, सिर्फ पोर्ट्स मिले हैं एंड सम अदर काइंड ऑफ पोटरीज मिली हैं, ठीक है। तो दो स्टोन बीड्स मिले हैं, चार कॉपर के बैंगल मिले हैं और 33 गोल्ड के बीड्स मिले हैं, एंड वन कोंच सेल, कोंच मतलब होता है शंख का सेल मिला है, ठीक है। अदर स्केलेटन, बाकी स्केलेटन में जाएंगे तो हमें केवल मिलते हैं पोर्ट्स, क्या मिले हैं, पोर्ट्स मतलब मटके। दीज फाइंड सजेस्ट दैट देयर वॉज सम डिफरेंस इन द स्टेटस अमंग द पीपल हु वर बरेड, ये क्या दिखाता है कि उस टाइम के जो लोग हैं उनके बीच में कोई क्या कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, फाइनेंशियली कुछ डिफरेंस होगा, कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, है ना, कुछ चीफ होंगे, चीफ मतलब कुछ हेड होंगे, ठीक है, और अदर जो होंगे बाकी उनके फॉलोअर होंगे, है ना, मतलब कुछ लोग अमीर होंगे जिनके बिरियल है, कुछ गरीब होंगे, कुछ राजा होंगे और कुछ जनता होंगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, कभी कभी मेगालिथ जो है उसके अंदर एक से ज्यादा स्केलेटन मिलता है। दीज इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वर बरेड इन द सेम प्लेस,
Though not at the same time, the bodies of those who died later were brought into the grave through the portholes. Stone circles or boulders placed on the surface probably served as a signpost to find the burial site so that people could return to the same place whenever they wanted. इसका मतलब क्या हुआ कि कभी कभी देखा गया है कि एक ही बुरेल के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं उनके क्या हमें डेड बॉडीज मिली हैं. उसमें बोलता है कि इसके अंदर एक होल है, देखो ये होल है ठीक है, इसके अंदर शायद जो डेड आदमी है एक टाइम पे तो नहीं, मतलब एक टाइम पे तो सब लोग नहीं मर सकते ना, शायद पहले फादर मरे हों तो फादर की बुरेल को, फादर की जो डेड बॉडी है उसको यहाँ लिटा दिया हो, फिर जब उसका जब उनका सन मरा हो तो उसी होल से, ये पोर्ट होल है इसी के थ्रू इनके सन को भी यहाँ पे लाके लिटा गया हो ठीक है. तो कभी किसी किसी बुरेल में हमें, बुरेल में हमें एक से ज्यादा डेड बॉडीज देखने को मिली है ना. और उसके ऊपर क्या फिर एक स्टोन बोल्डर रख दिया जाता है जिससे कि साइन पता चल सके कि हाँ यहाँ पर इन व्यक्ति की डेथ हुई थी, और अगर फिर से किसी को बरी करना हो तो वापस आके उसको उस पोर्ट होल से बरी कर सके, उस पोर्ट होल के अंदर से. अगर आप इनाम गांव में जाओ, फाइंड इनाम गांव, इट इज अ साइट ऑन द रिवर घोड़, ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा, भीमा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है. इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 and 2700 ईयर्स अगो. हियर एडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टूवर्ड्स नॉर्थ. देखो अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है ठीक है. तो अभी से अगर इनाम गांव में जाओगे तो अभी से 3600 से 2700 साल पहले जो एडल्ट्स थे उनको बरी किया जाता था जमीन के अंदर, जमीन के अंदर, जिनमें उनका सर जो है उनको सीधा लिटाया जाता था, उनका जो सिर है वो नॉर्थ की तरफ होता था ठीक है, सिर है वो नॉर्थ की तरफ होता था. कभी कभी जो बुरियल्स है, कभी कभी जो उनकी कब्र है वो घर के अंदर ही बनी होती थी ठीक है. वेजल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वॉज प्लेस नियर द विद द डेड. देखो वेजल्स मिले हैं जिसके अंदर फूड और वाटर रखा हुआ है, वो प्रोबेबली कहाँ मिला हमें, डेड बॉडी के है ना उसके पास में हमें क्या मिला है, एक वेजल मिला है जिसके अंदर फूड और वाटर रखा गया था डेड आदमी के लिए ठीक है. शायद वो आफ्टर यूज वाली कॉन्सेप्ट यहाँ भी चलता हो कि भाई मरने के बाद इनको कोई जीवन हो. अब जैसे एक आदमी का स्केलेटन मिला है, वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज फोर लेग्ड क्ले जार इन द कोर्टयार्ड ऑफ अ फाइव रूम हाउस. मतलब कि चार पैरों का एक क्ले से बना हुआ क्या जार था, जार ऐसा कुछ ठीक है, उसके अंदर उस आदमी को लिटा दिया गया मारने के बाद, मतलब मरने के बाद सॉरी. कहाँ पे, घर के एकदम बीचों बीच ये मिला हुआ है हमें, ये जो बरियल मिला है वो घर के बीचों बीच मिला है जिसमें एक आदमी को चार पैरों वाले क्ले के जार पे बरी किया गया हो. बरी क्या है, दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रीनरी, द बॉडी वॉज प्लेस इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन. ये जो आदमी है इसको कैसे लिटाया गया था कि इसके पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा गया था, मतलब अगर ये एक पैर है हम ऐसे सोते हैं तो उस आदमी की जो बरियल है उसको ऐसे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा हुआ था ठीक है. और इस घर के अंदर ग्रेनरी भी था, इस घर के अंदर ग्रेनरी भी था मतलब कि स्टोरेज का सामान रखने के लिए भी, स्टोर करने के लिए भी क्या, स्टोर करने के लिए भी जगह थी किसी भी चीज़ को, किसी अगर कोई ग्रेन वगैरह स्टोर करना हो तो उसके लिए भी जगह थी इसके अंदर ठीक है. तो इस घर में हमें क्या मिला अगर मैं फिर से जाऊँ ऊपर, तो इनाम गांव में अभी से अगर तुम 3600 से अगर आप 2700 साल पहले जाओ ठीक है, तो आपको क्या मिला है, जनरली इसके अंदर यहाँ पे जो डेड बॉडीज है वो जमीन के अंदर इनके दफनाई जाती थी, जमीन के अंदर दफनाई जाती थी जिसमें जो सिर होता था आदमी का वो नॉर्थ की तरफ रहता था ठीक है. समटाइम जो बरियल्स होते थे वो घर के अंदर ही दफनाए जाते थे, कभी कभी जो बरियल्स मिले हैं हमें वो घर के अंदर ही मिले हैं ठीक है. और जो भी बरियल्स, जो भी बरियल्स हैं उसके साथ वेजल मिले हैं, बर्तन मिले हैं जिसके अंदर पानी और खाना रखा हुआ है डेड के लिए, जो भी इंसान मर गया है उसके लिए खाना और पानी रखा गया है. ऐसा ही एक क्या बरियल मिला है इनाम गांव में, और वो बरियल एकदम घर के एकदम कोर्टयार्ड आंगन है ना, आर्डर आंगन के अंदर हमें वो बरियल मिला है. वो बरियल जो है एक क्ले जार, जैसे चार, जैसे चौकी के होता है ना, चौकी चार पाए उसके चार डंडे होते हैं, तो वैसे ही चार पैरों वाले एक क्ले का जार था, उसके अंदर उस बरियल को रखा हुआ था ठीक है. और वो कहाँ रखा था, एकदम कोर्टयार्ड आंगन के बीच में ठीक है. उस घर के अंदर ग्रेनरी भी था, स्टोरेज हाउस भी था ठीक है. और जो डेड बॉडी थी, डेड बॉडी का जो पोजीशन था उसके जो पैर थे वो दूसरे पैर के ऊपर चढ़े हुए थे,
मतलब जो उसकी डेड बॉडी थी वो क्रॉस लेग पोजीशन में थी। व्हाट स्केलेटन स्टडीज हमें क्या बताते हैं? अगर हम किसी भी इंसान के शरीर, मृत शरीर को देख लें तो उसमें इंसान का चेहरा वगैरह तो होता नहीं है, ठीक है। तो हमें मृत शरीर जो स्केलेटन है, जो हड्डियाँ है, वो हमें क्या बताती है? इट इज इजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज। देखो अगर किसी बच्चे का बरियल होगा तो उसको हम देख के बता देंगे कि उसका जो स्केलेटन होगा वो छोटे छोटे होंगे। देखो उस टाइम में जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता था कि कौन सा जो बच्चे का, अगर कोई भी चाइल्ड है तो चाइल्ड का जो बरेल मिला है वो लड़की का है, लड़की का है, लड़के का है, ठीक है। तो उसके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता था, ठीक है। कैन यू मेक आउट वेदर अ स्केलेटन वॉज दैट ऑफ अ मैन और अ वुमन? समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ वट इज फाउंड विद द स्केलेटन। देखो हम बता सकते हैं क्या, अगर हम कोई भी हमें स्केलेटन देखने को मिले तो क्या हम उसको देख के बता सकते हैं कि वो जो स्केलेटन है वो किसी मैन का है या वुमेन का है? तो जो लोग होते थे ना, जो आर्कोलॉजिस्ट है, उन्होंने उसके क्लोदिंग को देखा कि उसने क्या पहना हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर उसने ज्वेलरी पहना हुआ है, ठीक है, तो माना जाता था कि वो जो स्केलेटन है वो एक वेमेन की है, ठीक है। कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती थी अगर किसी ने ऑर्नामेंट्स पहना हुआ है तो प्रॉब्लम भी होती थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो मैन थे वो भी ऑर्नामेंट्स पहन सकते हैं, ठीक है। उस टाइम के मैन जो थे वो भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती थी। अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ अ स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। देखो अगर आप वुमेन का बोन स्ट्रक्चर देखोगे तो उनका पेल्विक एरिया जो होता है ना, वो हम लड़कों से थोड़ा सा वाइडर होता है, ठीक है। बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो उनका जो पेल्विक एरिया है वो लड़कों से थोड़ा वाइडर होता है, मैन से थोड़ा सा वाइडर होता है, ठीक है। द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ वुमेन इज जनरली लार्जर टू अनेबल चाइल्ड बियरिंग। और वो पेल्विक एरिया लार्ज क्यों होता है? ताकि जो उनके बेबी होगा उसको वो वहाँ पर स्टे कर सके, जब वो जन्म लेगा तो उस टाइम पे स्टे करने के लिए जो बेबी है वो वुमेन है, उसके वूम्ब में रहता है, ठीक है। इसी वजह से जो वुमेन का पेल्विक एरिया है वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। चाइल्ड बियरिंग की वजह से जो वुमेन है उसका उसका जो पेल्विक रीजन होगा वो बड़ा होता है। These distinctions are based on modern skeletal studies. ये तो अभी modern skeleton studies के base है, ठीक है, कि अभी हमने skeleton के ऊपर हमें बहुत कुछ पता है, ठीक है। About 2000 years ago, there was a famous physician named Charaka, who wrote a book on medicine known as Charaka Samhita. There he states that a human body has 360 bones. देखो अभी से 2000 साल पहले एक फिजिशियन थे जिनका नाम था चराका, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है चराका संहिता। उस बुक में इन्होंने मेंशन किया कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 360 हड्डियां होती हैं, ठीक है। दिस इज अ मच लार्जर नंबर देन द 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न एटोनॉमी। अभी हमें पता है मॉडर्न एटोनॉमी में ह्यूमन के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं? 200 एंड समथिंग, 200 बोन टाइप होते हैं, 206, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे जो चराका ने बताया वो नंबर जो था, जो नंबर उस टाइम चराका ने बताया वो क्वाइट लार्ज था, ठीक है। मॉडर्न एनाटॉमी ने तो अप्रोक्स बता दिया कि भाई 206 है, देख लो ऐसी बात है, 200 के करीब है बॉडी में। तो चराका अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। तो चराका ने क्यों बोला कि 360 हड्डियां है? इन्होंने टीथ, जॉइंट्स और कार्टिलेज को भी काउंट किया था, उसके बाद इन्होंने बताया कि हमारी बॉडी में 360 हड्डियां हैं, ठीक है। तो मॉडर्न एनाटॉमी तो सिर्फ हड्डियों की बताता है कि अगर लेग है, फाइन चेस्ट है और ये सब हड्डियां है, वो कार्टिलेज, टीथ और जॉइंट्स को थोड़ी जोड़ता है, वो सिर्फ बोन्स को जोड़ता है, बोन्स को बताता है, रिकग्नाइज करता है मॉडर्न एनाटॉमी तो। लेकिन चराका ने 360 बोन्स किसके बेस पे बताया था? टीथ, जॉइंट्स और कार्टिलेज को काउंट करके, ठीक है। ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव में लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था, मतलब क्या करते थे लोग? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ वीट, बार्ली, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज एंड सीसम, बोन्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स, मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट शो दैट दे हैव बीन यूज्ड एज फूड, दे हैव आल्सो बीन फाउंड। देखो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या मिला है? गेहूं के बीज मिले हैं, बार्ली मिले हैं, राइस मिली है, पल्स मिली है, मिलेट्स मिला है, पीज और सीसम भी मिला है, और बहुत सारे एनिमल्स हैं उनके बोन्स मिले हैं, और वो बोन्स एनिमल जो है वो कहीं से कटा हुआ है। इसका मतलब क्या है? वो लोग शिकार करके लाते थे और उसको खाने के तौर पर इस्तेमाल करते थे। वो एनिमल्स कौन कौन से? तो कैटल था,
बफेलो था, गोट था, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक डक, एंटीलॉप एंड हेयर, मैंगोज, बिसाइड बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश, ये सारे एनिमल जो थे ये इनाम गांव पे इनकी हड्डियां मिली हैं, बोन्स मिली हैं इनकी, ठीक है। देयर इज एविडेंस डेट द फ्रूट सच एज बेर, आमला, जामुन, डेट्स एंड अ वराइटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। देखो और भी एविडेंस मिले हैं, बेर मिला है। अब बेर के एविडेंस कैसे मिल सकते हैं, या तो लिटरेचर में लिखा होगा या फिर उनके आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल जो साइट है इनाम गांव वहाँ पे स्पॉट किया गया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मिली हैं, मतलब वहाँ के लोग फ्रूट भी कलेक्ट करते थे, हंटिंग भी करते थे और एग्रीकल्चर से भी जुड़े हुए थे, ठीक है। यह हमें क्या दिखाता है कि वहाँ के लोग फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, हंटिंग करते थे और एग्रीकल्चर से भी जुड़े हुए थे, ठीक है। यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप तुम लोगों को चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। आपने अगर यहाँ तक देखा तो मैं आपको एक बात कहूँगा, थैंक यू, और आपने कुछ ना कुछ सीखा है, ठीक है। आपने चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद एक बार रीड कर लेना, बुक का जो चैप्टर है उसको रीड कर लेना, एनसीईआरटी को, फिर जो चैप्टर है आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अगली वीडियो मिलते, तब तक के लिए सही बच्चों को जय हिंद।